अजीत जी, चितरंजन राय बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? अजीत जी, चितरंजन राय बात कर रहा हूँ, चेयरमैन बिहार एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया। उस दिन बात हुई थी आपसे, याद है? जी, बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो गाड़ी आप लोगों ने पकड़ी थी उसका फाइन तो आपने कर दिया, तो क्या उसका फाइन आप लोगों ने डीटीओ को दिया या नहीं दिया? कब का कब फाइन किया? है? जो हाईवा पकड़ी कब थी, कब जो कब, किस गाड़ी का कब कब नहीं दिया है आपने? कितना दिन नहीं दिया डीटीओ को? आपके यहाँ जितनी भी गाड़ी पकड़ी गई उनको, उनका सारा डिटेल डीटीओ को गया हुआ है? कब गाड़ी का देखिए, कंफर्म है आप? कब वाला बोली रहता देखो। नहीं, कब की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी गाड़ी पकड़ी गई तो कायदे से तो डीटीओ को जाना चाहिए ना, सारी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। आपने दिया है एक गाड़ी को? ये गाड़ी का डीटीओ कहाँ दिए हम लोग? जी क्यों, आप खनन का फाइन करके कैसे छोड़ सकते हैं वहां से? आप केवल खनन के फाइन पे कैसे छोड़ सकते हैं अजीत जी? डीटीओ फार्म के फार्म के तो छोड़ते हैं सर हम लोग। को आपको नहीं इन्फॉर्मेशन है कि डीटीओ को भी देना होता है, डीटीओ का भी फाइन लगता है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, रिटेल में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है सर हमको। जी कंफर्म है आप ना जो बोल रहे हैं? जी डीटीओ को आज तक आपने जितनी गाड़ियां पकड़ी कोई भी गाड़ी का डीटीओ का फाइन नहीं हुआ, यही ना? जी कंफर्म है ना? उसका फाइन आपने खुद से ले लिया है जी करीब करीब हुआ है। हम नहीं उसका? जाओ फाइन क्यों नहीं? क्यों, 25,000 किस चीज के लिए आपने? हम पैसा आप तो लिए उस दिन इतना ईमानदारी बता रहे थे, आप इतने ईमानदार बन रहे थे अजीत जी, हमने भी बड़ा अच्छा जी, लगा हमें कि हमारा हमारा पुलिस पदाधिकारी बड़ा अच्छा साथ में है। पैसा दिए सर। आज आज आप जो है उस चीज को जो है 25,000 रुपए में आपने डीटीओ, पहला तो ये बताइए ना कि डीटीओ को आपको कंफर्मेशन है कि नहीं है कि डीटीओ को भी फाइन लगता है? सर हमको नहीं चलता सर, है? इसका मतलब आपके यहाँ नहीं जितनी है गाड़ियां पकड़ी गई कोई भी डीटीओ को नहीं गई है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी। जितनी गाड़ियां आपके यहाँ पकड़ी गई केवल खनन का फाइन लगा, ये बताना चाह रहे हैं आप? आज तक किसी डीटीओ को ट्रांसफर ही नहीं किया आपने, केवल खनन के फाइन पे छोड़ दिया आपने गाड़ी को? बोलिए, साफ साफ बोलिए ना। जी बोल रहे हैं मतलब जितनी गाड़ियां आपके यहाँ आई केवल खनन का फाइन लगा, डीटीओ का फाइन के जी बारे में आपको नहीं पता है? नहीं पता है, बोलिए ना कि नहीं पता है कि डिटेल डिटेल में हमको नहीं पता है सर। डीटीओ, डीटीओ जानते हैं कि डीटीओ कौन होता है? क्या कौन होता है? जिला परिवहन पदाधिकारी जिला परिवहन पदाधिकारी। तो उस गाड़ी ने केवल और केवल खनन के रूल को उल्लंघन किया, जी उस गाड़ी ने केवल खनन के को उल्लंघन किया कि उसका ओवरलोडेड गाड़ी जो है डीटीओ के एंड पे भी जाएगा? कहाँ देखें आप, ये तो कौन से नहीं कितने हमको दिन से पता। पदाधिकारी हैं कि आप कह रहे हैं कि डीटीओ को फाइन होना ही नहीं चाहिए, आपको पता ही नहीं है? कहाँ हम लोग वीडियो कराते हैं सर, क्या है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, आपको पता है अगर आपके यहाँ एक आरटीआई डलेगा तो आपका क्या स्थिति होगा? सर आपके यहाँ अगर आरटीआई इस पे डलेगा, इसका मतलब जितना दिन तक आप, कितने दिन से हैं यहाँ पे? हम तो बहुत दिन से हैं सर, कितना दिन से? हम 2 साल से हैं सर। 2 साल से हैं। 2 साल में कभी भी आपने डीटीओ को फाइन नहीं किया, मतलब डीटीओ को ट्रांसफर, वो फाइल जो है आपके यहाँ खनन से बस केवल आया और आपने गाड़ी छोड़ दी सब? कंफर्म जी ना? जी जी करीब करीब सर। नहीं करीब करीब, मतलब फिर अब कह रहे हैं करीब करीब, इसका मतलब गाड़ी ट्रांसफर भी हुई है क्या? सर, नहीं हुआ है। है? सर हम लोग को रिटेन को अति है, सूचना ही नहीं है सर। अरे आप पहले ये बताइए, आपको रिटर्न सूचना नहीं है, आपको क्या सूचना है? सूचना में क्या दिया गया है आपको? हमको वो तो सर गाड़ी माइनिंग वहां को हम से करते हैं केवल गाड़ी खनन से पर, खनन के फाइन पे गाड़ी आपके यहाँ से चली गई, इसकी जी। सूचना डीटीओ तक को नहीं पहुंचाई गई आपके यहाँ से, क्यों? डीटीओ को हम लोग कहाँ पहुंचाते हैं सूचना? आप अपने एक बार डीटीओ साहब से बात करेंगे, लाइन पर रुकेंगे आप? जी बात करेंगे सर। हाँ, लाइन पर रुकेगा? डीटीओ अपने से आते हैं और देखते हैं तो लोग साइन नहीं अपने कर नहीं देते हैं। देखते हैं नहीं, आपने जानकारी छुपाई ना, आपने जो है बिहार सरकार का जो एक फाइन होता है उस फाइन को कहीं ना कहीं आप मिसलैप करने की कोशिश किया ना आपने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। क्यों नहीं, अगर आप कह रहे हैं एक तरफ डीटीओ आते हैं, अगर डीटीओ नहीं आएंगे तो उनको कंफर्मेशन नहीं जाएगा आपके पकड़ी हुई गाड़ी का? एक फोन आ रहा है सर। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना आप, जी, नहीं जवाब देंगे तो मैं आना पड़ेगा मुझे, जवाब नहीं तो तो हम आपको लोग कुछ आपसे नहीं देते हैं सर, ऐसा कुछ। है?
हम लोग कहाँ देते हैं सर? लाइन पे आपको ले रहा हूँ मैं, DTO साहब के साथ। जी जी एक मिनट लाइन पे रुकें आप। आपके मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो कंफर्मेशन मिला है उसमें कहीं से भी ऐसा अंकित नहीं है कि जो गाड़ी आप ओवरलोडेड पकड़ेंगे या अवैध पकड़ेंगे उसका DTO को आपको भेजना है कुछ पेपर, या अगर आप जो आप संज्ञान में देंगे उसको, ऐसा कुछ नहीं है? क्या जी अजीत जी? जी, तो यही शब्द आपने कैसे कह दिया उसको कि ज्यादा करोगे तो DTO को भेज दूंगा, फिर 25,000 रुपये DTO को, DTO को नहीं भेजने के लिए क्यों लिया जब आपको पता नहीं था?